Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplifying UPSC with Ease with me Arpita Sharma, and today we are going to decode the Hindu newspaper for today, that is 16th May 2019. Okay, and you can also join my Telegram channel. The link to join my Telegram channel is given in the description box just below the video. तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सेम नेम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगा. आई हैव लॉन्च्ड टू बुक्स, वन ऑन आर्ट एंड कल्चर एंड वन ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस रिविजनरी मॉड्यूल्स. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज देम फॉर 2020 और 2019 और 2021 एग्जामिनेशन, देन यू कैन मेल मी सिंपली एट upscwithease@gmail.com एंड परचेज योर बुक. ओके, तो मैंने दो बुक्स, एक आर्ट एंड कल्चर पे, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंग्लिश में रिविजनरी मॉड्यूल्स पब्लिश करी हैं. अगर आप चाहते हैं इन्हें खरीदना तो आप इस ईमेल आईडी पर जाकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लस, देन यू कैन सिंपली यूज माई रेफरल कोड Sharma20 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द कोर्स. अगर आप अनअकैडमी प्लस पर भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट आसानी से मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल कोड Sharma20 यूज करते हैं तो. राइट, Sharma20 रेफरल कोड इसी तरीके से यूज करना है, एस कैपिटल है, Sharma20 विदाउट एनी स्पेस. नाउ फर्स्ट न्यूज ऑन पेज नंबर वन इज Violence prompts poll panel to pull campaign plug in Bengal. So basically, the Election Commission has invoked Article 324. This is important for your prelims. Article 324 has been invoked by the Election Commission. As you all must be hearing this in the news also, West Bengal is witnessing a series of political violence. So that is why Election Commission has called on Article 324 of the Constitution to remove the, to curtail, to stop the campaigning for the last phase of election on May 19. अभी May 19 को जो last phase चरण चलेगा election का, तो उस दौरान कोई भी party किसी तरीके की political campaigning नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा पॉलिटिकल दंगा हो रहा है पार्टीज के बीच में, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूरन आर्टिकल 324 को इनवोक करना पड़ा. इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पुट अ ब्लैंकेट बैन, दैट इज ओवरऑल बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कैंपेनिंग एक्टिविटीज इन द 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ वेस्ट बंगाल. व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस. वायलेंस इतना ज्यादा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको भी तबाह कर रहे हैं लोग. राइट, उनको भी खराब कर रहे हैं. तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 के तहत सभी पार्टीज पर बैन लगा दिया है कि आप लास्ट चरण जो है इलेक्शन का उसमें कैंपेन नहीं कर सकते. The order states that no one can display to the public through movies and television or propagate any election matter by holding any event. Now, ban on political parties from campaigning activities also includes displaying to the public through movies, ban on display through public to the public through movies, and ban on the display to the public through television. और होल्डिंग एनी इवेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सड़कों पे जाकर आप अपनी रैली नहीं निकाल सकते, मूवीज के थ्रू भी आप अपनी पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर सकते, टेलीविजन के थ्रू भी नहीं कर सकते, कोई इवेंट या कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, कुछ भी किसी भी तरीके से आप अपना प्रचार नहीं करोगे. Ban has also been placed on sale and distribution of liquor or other substances of like nature in hotels, eating joints, shops or any other place, because liquor was also a source of the violence amongst the mob and political parties. So liquor वगैरह ऐसी चीजें जो कि गलत influence डाले लोगों पर, इन चीजों पे भी ban लग गया है, चाहे public place हो चाहे private place हो. Polling areas के अंदर अंदर liquor distribute, शराब distribute नहीं की जाएगी. Now let us understand the concept of Article 324. Now basically it is part of polity, and under which category it comes? Local self government. Article 324 of the Constitution provides for vesting of the power of superintendence, direction, control of elections with the Election Commission. यानी कि Article 324 के तहत Election Commission को किस तरीके की ताकत मिलती है इलेक्शंस को कंट्रोल करने की, डायरेक्ट करने की, और उनके ऊपर एक अपनी इन्वेस्टिगेशन नजर, एक विजिलेंट नजर रखने की पावर मिलती है. राइट, सो बेसिकली आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन बिकम्स इम्पावर्ड टू
investigate and to keep an eye to direct and control the elections. Superintendent's direction and control, SDC, underline this, of the preparation of electoral rolls, conduct of all elections to parliament, to legislature of every state, etc. It is given to the election commission under article 324. Matlab iske tehet, article 324 ke tehet, election commission puri tarike se sab cheeze apni mutthi mein le leti hai election ke dauran. Okay? Now comes the another news. Page number 3, GS3 related news. Pest struck Mizoram farmers hit by a lack of crop insurance. Now this we have studied that the fall army worm type of pest, it has infected the crops in Mizoram, right? हमने ये तो पढ़ लिया था पिछले news analysis में कि जो fall army worm नाम का pest है, right? इसने क्या किया है? Mizoram के crops पे अपना कब्जा डाल दिया है, खराब कर दिया है. अब जो news सामने आई है वो ये है कि अब crop insurance भी वहाँ पर नहीं हो रखी थी, तो compensation कैसे मिलेगा farmers को, right? Now the news is that farmers are hit by lack of crop insurance because of lack of marketing of their farms, right? Now they are in a fix. The bad news of pest attack have turned worse for 5,300 families in Mizoram with the fact that their crops are not insured. Inke crops insured hi nahi the. To isliye 5,000 ke kareeb kuch farmers hain jo ki bahut hi zyada dubida mein hain aur problem mein hain. The northeastern state where a rat induced famine had triggered extremism in 1960s woke up to an attack of fall army worm on April 8 because of which there have been thousands of crops which have been lost and the farmers are in a tension because they've approximately 5,000 of the farmers they crops were not insured. The Prime Minister Fasal Bima Yojana comes into the play over here. Prime Minister Fasal Bima Yojana ke tehet insurance ki baat ki gayi thi, right? Farmers ke crops ki. But idhar insurance coverage bahut se farmers ko nahi mili hai. Now this is the lack of administration. The Prime Minister Fasal Bima Yojana aims at providing insurance coverage and financial support to the farmers in the event in the wake of failure of any of the notified crops due to the natural calamity, pest and disease. This is very very again important for prelims this year. ये इस साल अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है. ऐसी प्रेडिक्टेबिलिटी की जा सकती है, राइट? दिस ईयर इट कैन कम एंड इवन इन दिस ईयर इट यू नो डज नॉट इज नॉट आस्क्ड इन प्रीलिम्स, इट कैन बी आस्क्ड इन मेंस और योर इंटरव्यू और फॉर श्योर इन द नेक्स्ट प्रीलिम्स, राइट? द 2020 एस्पिरेंट्स बी वेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना. सो इसके तहत क्या होता है कि जो नोटिफाइड क्रॉप्स होते हैं ना, जो लिस्टेड क्रॉप्स होते हैं गवर्नमेंट की लिस्ट में, उनको इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है उनके फार्मर्स को. अगर उनके क्रॉप्स नेचुरल कैलामिटी की वजह से खराब हो गए हैं, पेस्ट अटैक की वजह से खराब हो गए हैं या क्रॉप डिजीज की वजह से खराब हुए हैं. द प्रीमियम इज 2% विच इज टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स है तो 2% प्रीमियम देना पड़ेगा. 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स एंड इन केस ऑफ एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रीमियम इज 5%. ऑन पेपर देयर इज नो अपर लिमिट ऑन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट व्हिच बेयर्स द एक्सपेंस इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90%. नाउ व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट द क्रॉप्स आर यू नो अनइंश्योर्ड राइट नाउ? द बेसिक रीजन इज लैक ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की कमी होना. बहुत से क्रॉप्स और फार्म्स ऐसे हैं जिनकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई है, जिस वजह से वो गवर्नमेंट की नजर में नहीं आए हैं. Now here we should understand the fall army worm. What is this? It's a pest. Now basically it was first in India witnessed in Karnataka. सबसे पहली बार fall army worm नाम का जो pest है, crop pest है, इसको Karnataka में witness किया गया था. और ये जो fall army worm pest है, ये North America में बहुत ही major maize pest था. Maize के जो crops है वहाँ पाया गया था. और ये Africa में 2016 में आया था, वहां से अब ये India में आया. India में सबसे पहले Karnataka में आया, अब देखते ही देखते ये Mizoram में पहुंच गया है, right? It's a very serious condition. It was first a major maize pest found in North America. Now it has arrived in Africa in 2016 and now since then it has threatened the continents maize crop. Now basically what is happening that everybody was fearing that this type of crop pest can fall, spread into India after it was detected in Karnataka, and now the fears are coming live when Mizoram's crops have been hit by this type of pest. Next is
पेज 4 जीएस पेपर 2 महाराष्ट्र डिमांड्स 3 टीएमसी फीट वाटर इन रिटर्न फॉर सप्लाई टू कर्नाटक. नाउ व्हाई महाराष्ट्र इज डिमांडिंग दिस, बिकॉज यस्टरडे वी हैव स्टडीड, डे आफ्टर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे वी हैव स्टडीड दैट महाराष्ट्र इज विटनेसिंग ड्राउट लाइक कंडीशंस, राइट. हमने अभी परसों ही पढ़ा था कि ड्राउट लाइक कंडीशंस महाराष्ट्र में आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा हद तक वहां पर सूखा पड़ रहा है. तो इसलिए उन्होंने कर्नाटका से 3 टीएमसी फीट पानी सप्लाई के लिए मांगा है. नाउ दिस इज महाराष्ट्र एंड व्हाई कर्नाटका, दे आर आस्किंग कर्नाटका बिकॉज एज यू कैन सी कर्नाटका इज नियर टू महाराष्ट्र, इट जॉइंस दी बाउंड्रीज, इट शेयर्स दी बॉर्डर्स विद दी महाराष्ट्र स्टेट. कर्नाटका अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र के साथ. तो इसलिए महाराष्ट्र ने कर्नाटका से पानी की हेल्प मांगी है, राइट, टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ दी ड्राउट. Maharashtra is currently going through an unprecedented drought-like situation after declaring 151 taluks as drought-affected. Now, when approximately 151 taluks have been declared as drought-affected, that is a major problem going on in Maharashtra. The state is also getting a central assistance of 4,714 crore. Center से भी Maharashtra state को 4,700 crore तक की help funding मिल रही है, right? And जो dams है state में उनमें भी 16% पानी ही use के लिए रह गया है. So this is a very severe condition right now. Now there are certain issues related to Maharashtra and Karnataka which you should also study. जब हम महाराष्ट्र कर्नाटका मैप देख ही रहे हैं तो कुछ और इश्यूज भी हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, right? Krishna Water Dispute Tribunal. Government of India has formed a common tribunal on 10th April 1969. India के भारत की government ने एक tribunal तैयार किया था, एक छोटी सी body तैयार की थी 1969 में. क्यों? Why it has prepared, constituted this body? To adjudicate, to look into the matter of the river water utilization fight or dispute among the river basin states of Krishna and Godavari rivers under the provision of Interstate River Water Dispute Act of 1956. अब Krishna Godavari rivers की जो पानी है उसको share करने के लिए जो लड़ाई चल रही है तो उसके तहत Interstate River Water Dispute Act 1956 के तहत Government of India ने एक tribunal तैयार किया. The head of the tribunal was Shri R.S. Bachawat. He was the head of this tribunal. Underline this. As its chairman with Shri D.M. Bhandari and Shri D.M. Sen as its members. Now, Krishna River Basin states Maharashtra, Karnataka and old Andhra Pradesh insisted on the quicker verdict as it had become more expedient for the construction of irrigation projects in Krishna Basin. Ab Krishna River jo hai, उसके जो उसके पानी पे जो डिपेंडेंट है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका और ओल्ड आंध्र प्रदेश. उन्होंने बोला इस ट्रिब्यूनल से कि भाई जल्द से जल्द आप अपनी वर्डिक्ट पास कीजिए, किसको कितना परसेंट पानी मिलना चाहिए इस वाटर रिवर में से, ताकि हम उतनी ही जल्दी से अपना जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनको तैयार करें. सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वर टेकन अप फर्स्ट सेपरेटली एंड इट्स फाइनल वर्डिक्ट वाज सबमिटेड ऑन 27th May 1976. 69 में तो ये ट्राइब्यूनल बना, 76 में इसने अपना वर्डिक्ट पास किया. नाउ ओवर हियर यू शुड अंडरलाइन दिस, कृष्णा रिवर इज द सेकंड बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया. सेकंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की कृष्णा रिवर. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच इज द फर्स्ट बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया. सबसे ज्यादा बड़ी पेनिनसुलर इंडिया में रिवर कौन सी है? Now, Krishna River originates, underline this, it originates near Mahabaleshwar, which is in Maharashtra, from the statue of a cow in a temple. And then it runs for a distance of 303 km in Maharashtra, okay, and 480 km through the breadth of North Karnataka. And rest the journey is covered in Telangana and Andhra Pradesh. And then it drains into the Bay of Bengal. Bay of Bengal mein jaakar ye river mil jaati hai, merge ho jaati hai. So we have to study about the various river water disputes like Ravi and Vyas. River water dispute is going on between Punjab, Haryana and Rajasthan. Ravi aur Vyas river jo hai, unke paani ko lekar jo ladai chal rahi hai, wo Punjab, Haryana aur Rajasthan ke beech mein chal rahi hai. Then the Narmada river fight is going on between MP, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan. Vamasadhara river, the states which are concerned with this river are Andhra Pradesh and Odisha. Godavari river, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, MP. Kaveri river, the states which are fighting for the water of Kaveri river is Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. Krishna river, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Basic fight is between Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh only. Okay.
Now, source of Malappuram fever still elusive. Now, basically, we all know we have studied in the past. First of all, let us understand what do we mean by elusive. Elusive means difficult to find, catch or achieve. Elusive का मतलब क्या होता है कि जिसको पाना बहुत ही मुश्किल होता है या जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे कि success will become ever more elusive. Success बहुत ज्यादा difficult है पाने में, right? बहुत मेहनत लगती है. तो elusive मतलब जिसको पाना, प्राप्त करना बहुत ही tough होता है. So, Malappuram fever हमने देखा था केरला डिस्ट्रिक्ट में. केरला में Malappuram डिस्ट्रिक्ट में एक लड़के को फीवर हुआ था, वेस्ट नाइल फीवर जिसको कहा जा रहा था, राइट. अब ये सोर्स ऑफ फीवर क्या है, कैसे इसको डायग्नोस करना है, किस तरीके से सही करना है, इसको अब इसका अभी पता नहीं चला है. दैट इज वाई दिस फीवर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स, राइट. जैसे जीका वायरस 2017 में आया था, ऐसे ही वेस्ट नाइल फीवर भी बन जाता है इंपॉर्टेंट. वेस्ट नाइल फीवर इज अ जूनोटिक डिजीज. ये जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं, जो वर्टिब्रेट एनिमल से इंसानों में ट्रांसफर होते हैं. वॉट आर जूनोटिक डिजीजेस, विच आर ट्रांसफर नेचुरली फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू द ह्यूमन. And it is caused by the West Nile virus. अब इसमें कौन सा virus involved है? West Nile virus involved है. And birds are the natural host of West Nile virus. That means they carry this type of virus. जो चिड़िया है वो जैसे बंदर के ऊपर बैठ जाती हैं या किसी भी एनिमल के ऊपर बैठ जाती हैं, वहां से ये इस वायरस को कैरी करती हैं और आगे फैलाती हैं. तो इसकी कैरियर्स कौन हो गए? बर्ड्स हो गई. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट नाइल वायरस ट्रांसमिट्स टू ह्यूमंस थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटोज. हम जानते हैं मॉस्किटोज भी वायरस को स्प्रेड करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग एनिमल्स की बॉडीज पे बैठते हैं, वहां बैठने के बाद उनके ब्लड को सक करने के बाद वो बर्ड्स के पास आते हैं, जहां से वो बर्ड्स में ये वायरस डालते हैं, बर्ड्स फिर आगे जाकर नॉर्मल जो अर्बन सिटीज है वहां ये वायरस फैलाती है. मॉस्किटोज बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन द इन्फेक्टेड बर्ड्स. हॉर्सेस एंड ह्यूमंस आर डेड एंड होस्ट. अब इसमें हॉर्सेस और ह्यूमंस भी हैं, वो भी होस्ट बॉडीज की तरह एक्ट करती हैं. सिम्टम्स ऑफ दिस व्हाइट नाइल फीवर इंक्लूड फीवर, headache, tiredness, body aches, nausea, vomiting, and it can also cause fatal neurological disease in humans also. सबसे पहली बार ये 1937 में देखा गया था ये वायरस युगांडा में, अफ्रीका में, युगांडा में देखा गया था. Then it was reported in Israel also in 1951. So 1937 सबसे पहली बार ये युगांडा में देखा गया, एक वुमेन को हुआ था ये वायरस फीवर. Then in 1951 it was seen in Israel also. So Israel has also been infected by this virus. West Nile virus is commonly found where? In Africa, Europe, Middle East, West Asia and North America. 300 grama panchayats may be delimited. The boundaries, delimited means unki boundaries ko alter kiya jayega, chota kiya jayega. Delimitations means shortening the boundaries of a certain particular area. So boundaries of about 300 gram panchayats that have exceeded specific population limit are likely to be redrawn before the next local body elections which are due in 2020. ये जो पंचायती elections हैं, municipality, ये 2020 में होने वाले हैं. इसी के चलते जो जिस you know ग्राम areas में या ग्राम पंचायत में population एक specific level से बाहर चली गई है, उसकी boundaries को फिर से develop किया जाएगा, फिर से redraw किया जाएगा map. Okay, now which authority is given this power to redraw the boundaries? The State Election Commission has a very important role to play in the delimitation of local bodies. ये जो पंचायत से local bodies हैं, इनके boundaries को delimit करने का important role State Election Commission निभाता है, right? It has already given a letter to the government for launching and completing the process well ahead of the local body election. A political clearance is imperative. It is needed for starting the process and that is expected soon. जब political clearance, State Election Commission ने एक letter भेजता है government को, जब political clearance मिल जाता है तो ये process start हो जाता है. Supreme Court penalizes Bihar government officials for lethargy. The Supreme Court ordered the Bihar government to collect a fine of ₹20,000 from the pockets of its officers whose lethargy led to 728-day delay in the filing of an appeal in the Apex Court. Dheelapan, laziness, right? Kamchori. A bench of Justice Sanjay Kishan Kaul and Indira Banerjee said that state government should not feel that they can approach courts at will and judiciary is obliged to take up the case of the state. The Bihar government said it had taken time to get the sanction. अब बिहार गवर्नमेंट कह रही है हम केसेस सुप्रीम कोर्ट तक लाने में इतनी देरी इसलिए हो गई क्योंकि हमें sanctions, cases की को sanction दिलवाना था, अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल दिलवाना था. बट कोर्ट ने ये कहा कि ये जो डिले है, अब ये आप गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है अलग अलग, आप अगर ढीलापन कर रहे हो, आप अगर ढंग से काम नहीं कर रहे, धीरे धीरे काम कर रहे हो, लेजी हो रहे हो, इसमें हमारी गलती नहीं है. आपको गवर्नमेंट को अगर लिथार्जी देखने को मिल रहा है तो उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बहाने बनाने चाहिए.
NIN stands by its report on no onion, garlic in its meals. As we all know, in various schools in Karnataka and in Kerala, right, Karnataka mein bahut se school aise hain jahan par jo midday meals hain wahan par onion aur garlic included nahi hai. Akshay Patra Foundation jo midday meals implement karwata hai wahan par wo apne meal mein onion garlic nahi dal raha, to khana bada monotonous aur boring sa ho jata hai, jiski wajah se kam kha rahe hain wahan par. Isi ke chalte NIN ne apni report bhi submit kari hai, right, ki kya onion aur garlic ki zarurat hai ya nahi. So basically NIN ne ye report submit kari thi ki meals mein onion garlic ki zarurat nahi hai, kyunki उनका खाना अक्षय पात्र फाउंडेशन का जो खाना है वो ऑलरेडी न्यूट्रिटिव है ना. पर कर्नाटका स्कूल्स ने और गवर्नमेंट ने इस बात का विरोध किया, राइट. Now basically what happened that the schools in Karnataka, the Akshay Patra Foundation was giving the midday meal, running the midday meal schemes, right? But it was not including onion and garlic in its meals, because of which students were finding the food very monotonous and very boring, and they were consuming less. So now National Institute of Nutrition said that they had passed their report that there is no need of onion and garlic in the meal, the food is nutritive enough. And now National Institute of Nutrition, it's standing by its findings, certifying midday meals without onion and garlic provided by Akshay Patra Foundation in Karnataka school as compliant with nutritional norms. Ab NIN ka kehna ye hai ki chahe onion aur garlic na ho, zaruri nahi hai, unka khana nutrition norms ko follow karta hai, usko pura karta hai, right. But schools ka kehna ye hai ki unhone NIN ne dhang se jaanch hi nahi kari hai. Akshay Patra Foundation ne apna menu unhe pakda diya aur menu padh ke unhone report bana di, ye galat hai. Now in Jan 2019, Karnataka government had asked NIN to assess, to investigate the Akshay Patra Foundation meals for nutritional compliance, food safety, taste and diversity of meals following the objection by Karnataka State Food Commission. APF provides food under government's midday meals program at 2,800 schools in the state, and using computational methods to compare different menus and investigate nutritional quantity and quality and diversity is an accepted scientific tool as well. Now here let us understand National Institute of Nutrition. It is an Indian Public Health Nutrition and Translational रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन हैदराबाद. ये सबसे पुराना रिसर्च सेंटर है जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है. नाउ अक्षय पात्रा फाउंडेशन, दिस इज योर होमवर्क, डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इट इज फंडेड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज इस्कॉन. इस्कॉन आपने आप जानते होंगे सभी, इस्कॉन ही अक्षय पात्रा फाउंडेशन को फंड करता है. इट इज अ बेंगलुरु बेस्ड not for profit organization, ye ek ngo hi hai, npo hi hai, that works with government on midday meal. Now it has state of the art kitchen also in Vrindavan, and today Akshay Patra is the world's largest midday meal program which serves wholesome food every school day to over 1.6 million children. Page 10, GS paper 3 related news, global drug survey. This is very very important for prelims. The findings are important. इस survey का जो भी findings हुई हैं, जो भी निकल कर आए survey में, वो पढ़ना और जानना काफी important है. Now global drug survey, Indians lead world in seeking help to reduce drugs intake. Global survey of recreational drug use, which for the first time polled respondents from India. जो global survey हुआ है, drug survey हुआ है, पहली बार इंडिया में हुआ है, और इसने ये पाया है कि more than from other nationalities are seeking help to reduce their alcohol intake. Now basically alcohol, tobacco and cannabis जो drugs हैं, alcohol, tobacco और cannabis जो हैं, वो Indians के द्वारा ज़्यादा use किए जाते हैं. And out of 1 lakh respondents from 30 countries, Indians reported being drunk on an average of 41 times. Last 12 महीने में 1 लाख respondents को survey किया गया 30 countries में से, और India में 41 times average on 41 times लोग Indians ने report किया कि वो being drunk. Right, they were being drunk, yani alcohol ka consumption hua hai, behind the UK, the US, Canada, Australia, Denmark. Now the global drug survey is anonymized online survey. Anonymized means the identity is kept hidden. Jo aapki identity hai, aapne survey mein part liya hai, to aapki identity ko chupa kar rakha jayega.
Now, it uses a detailed questionnaire to assess the trends in drug use and self-reported harms among regular drug users and early adopters of new trends. Basically, logo ko survey kaise kiya jata hai? Online survey hai. Questionnaire diya jata hai. List of questions diye jate hai online jinko answer karna hota hai. According to the 2019 GDS Global Drug Survey, 51% of respondents wanted to drink less in the following year and 41% wanted help to do so. According to the survey, survey ke hisab se 51% respondents चाहते थे कि वो कम पिए और 41% चाहते थे कि उनको हेल्प मिले ताकि उनको रोका जा सके पीने से या फिर ड्रग्स इनटेक करने से. अबाउट 6% ऑफ फीमेल इंडियन सर्वेड रिपोर्टेड सीकिंग इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इन लास्ट 12 मंथ्स बट मेल्स इन इंडिया रिपोर्टेड सीकिंग नन ऑफ द मेल्स इन इंडिया रिपोर्टेड सीकिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट राइट. मेल सामने आकर जो आदमी लोग हैं वो सामने आकर हेल्प नहीं चाहते, उन्होंने कहा ही नहीं कि उन्हें हेल्प चाहिए. बट 6% जो फीमेल इंडियन सर्वे हुई है उनको 6% फीमेल्स ने कहा है कि हमें हेल्प की जरूरत है. एंड ओनली 2% सॉट द इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर यूजिंग कैनबिस बट सिमिलर टू अल्कोहल यूज 51% सेड दे वांटेड टू यूज लेस कैनबिस इन द फॉलोइंग ईयर. China to assist Sri Lanka in its anti-terror efforts. Chinese President Xi Jinping has promised all possible help to Sri Lanka from defense cooperation. Now here China is stepping up, right, to help Sri Lanka in the security issues and to wipe out terrorism. Right now, हमने ये भी देखा था violence और terrorism Sri Lanka में रिपोर्ट किया गया था राइट, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे तो उसमें चाइना आगे आकर हेल्प कर रहा है श्रीलंका की. सो दैट इज फिशी. व्हाई? बिकॉज़ चाइना इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इट्स प्रेशर इट्स डोमिनेंस ओवर दी कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया राइट. इंडिया को हर तरीके से घेरने के लिए चाइना हमारे आसपास की कंट्रीज को अपने कब्जे में करना चाहता है. तो ये जो हेल्प है ये वही चीज है, चाइना की वही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है. जी जिनपिंग clash of rejects the clash of civilizations theory. China's president Xi Jinping debunked the clash of civilizations theory and appealed for harmonious dialogue and coexistence between civilizations. Basically US के साथ इनका जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसी के चलते चाइना यूएस को आजकल बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है और उनका कहना यह है कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी है ये बहुत ही बेकार है, हमारे पीस के लिए हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है. सिविलाइजेशन सभ्यताओं को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, किसी एक को किसी दूसरे को नीचा दिखाने नहीं चाहिए, वो गलत है. यूएस की तरफ हिंट करते हुए उन्होंने ये बात कही राइट. क्योंकि यूएस कोशिश क्या कर रहा है कि जो यूएस के फेवर में नहीं है उसको आइसोलेट किया जाए राइट, जिसके अगेंस्ट है हमारा चाइना. आरबीआई इनविजन्स फोरफोल्ड ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय 2021. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एनविसज्ड, इट हैज सीन प्रोजेक्टेड दिस फ्यूचर 4 times ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजैक्शन इन 2 years. आरबीआई ने ये प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले 2 सालों में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन जो आप पेमेंट करते हो, खरीदते हो चीजें, जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें 4 गुना ज्यादा ग्रोथ देखी जाएगी. उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसके अंदर ये बात क्लियरली बोली गई है. 36 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स डाले गए हैं उसमें, इस डॉक्यूमेंट में. डॉक्यूमेंट का नाम है पेमेंट सिस्टम विजन 2021. इट हैज बीन पास्ड बाय आरबीआई. रिमेंबर दिस फॉर प्रिलिम्स. Now it aims to achieve highly digital and cash light society through the goal post of competition, cost effectiveness, convenience and confidence. 4 C's. A 35% growth has been targeted in use of digital modes of payment for purchase of goods and services including the debit cards, credit cards, etc. TRA unveils artificial intelligence protocol tool to improve tea quality. The Tea Research Association, that is the TRA, has introduced artificial intelligence based technology aimed at improving quality. Now what is important, why we are studying this news? Ab aap puchoge ma'am ye news kahan se important ho gayi? Ye news isliye important ho gayi kyunki pichle saal GPS ke upar question pucha gaya tha, artificial intelligence ke upar question pucha gaya tha prelims mein ki ye kahan kahan kis kis sector mein use hota hai right, GPS kahan kahan use hota hai, jisme kafi bachchon ne galtiyan kari thi right. To isliye artificial intelligence ka use is saal kafi
काफी देखा गया है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 यूजेस बताए जाते हैं और पूछा जाएगा कि इनमें से कहां यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ऑप्शन होगा इंप्रूविंग टी क्वालिटी, तो आपको लगेगा अरे चाय की क्वालिटी इंप्रूव करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, बट रोल है, तो आपको वो भी टिक करना पड़ेगा. राइट, हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिकॉज लास्ट टाइम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑन जीपीएस एंड मेनी स्टूडेंट्स आइदर दे लेफ्ट द क्वेश्चन or they marked it wrongly, right? The use of GPS was asked. So here artificial intelligence used can be asked. Yes, artificial intelligence is used to improve the quality of tea. Underline this, okay? The technology has been developed through a collaboration between Tea Research Association and AgenXt, which is a startup, okay? Now basically the objective of using artificial intelligence is to improve accuracy and reduce time. Right, the machine called TRA AgenXt quality tea profiler developed through this technology would help determine the fine leaf of a tea without human intervention. एक टी लीव के बंच में से जो सही अच्छी क्वालिटी की जो लीव्स हैं वो कौन सी है वो ये इस तरीके की मशीन हमें बताएगी, TRA AgenXt quality profiler which is having artificial intelligence. Okay. Now comes another news, very important news. China has blocked Wikipedia in all languages. Already Facebook, Instagram और Twitter block कर रखा है China ने. अब China ने Wikipedia को भी block कर दिया हर language में. Because बहुत से articles ऐसे पाए गए थे जो pro democracy से relate करते थे, right? जो हिंसावादी उनको लग रहे थे, तो उन्होंने Wikipedia को भी block कर दिया सभी languages में. Sculptor Anish Kapoor ranks first on Hurun India art list with sales estimated at 168.25 crore. Contemporary sculptor, the modern day sculptor Anish Kapoor has topped the first edition of Hurun India art list. Okay, you have to remember which sculptor has topped the list. So this was all for today. I hope you enjoyed the class. If you really enjoyed the class and you want other aspirants to get benefits from this class, then share this lesson to them and like the video and subscribe to my channel. Thank you.